एक सज्जन हमारे पास आए, एक गुरुजी के पास गए। गुरुजी, हमने बहुत कथाएं सुनी है पर हमारा मन बिल्कुल शांत नहीं। कथाएं बहुत सुन ली पर मन शांत नहीं हुआ, क्या बताएं? गुरुजी बोले जा 5 लीटर शराब लेके आ। चेला बोला गुरुजी मैं शराब नहीं पीता। गुरुजी बोले लेकर तो आ। चेला गया और 5 लीटर 5 प्याले लेकर आया, बड़े बड़े एक एक लीटर के बोतल 5 लीटर लाया। गुरुजी ने कहा चल पी। गुरुजी मैं शराब नहीं पीता। अरे गुरु की आज्ञा पी, लेकिन सुन गले के नीचे नहीं उतरनी चाहिए, पी के थूक देना। सामने वाले ने 5 लीटर शराब मुंह पे डाली, थूक दिया, मुंह पे डाली, थूक दिया, मुंह पे डाली, थूक दिया, 5 लीटर फिनिश कर दिया। गुरुजी बोले बोल कैसा लग रहा है, नशा लगा? चेला बोला गुरुजी जब गले के नीचे उतरी ही नहीं तो नशा कैसे लगेगा, नशा कैसे चढ़ेगा? गुरुजी बोले जैसे शराब जब तक गले के नीचे नहीं उतरती तब तक वो अपना असर नहीं दिखाती, ऐसे ही कथा जब तक चरित्र में नहीं उतरती तब तक वो अपना असर नहीं दिखाती। जब तक कथा को हृदय में धारण नहीं करोगे, कथा पर जब तक कथा की बातों पर अमल नहीं करोगे तब तक उसका क्या प्रभाव होगा? माचिस के अंदर तीली है, छोटी सी तीली, जब तक आप निकाल कर घर्षण नहीं करोगे तो आग प्रकट कैसे होगी? माचिस तो है हमारे पास, तीली है, पर भाई साहब माचिस की तीली निकालकर घर्षण करो तो आग प्रकट होगी। ऐसे ही जब तक भक्ति नहीं करोगे परमात्मा कैसे प्रकट होगा, उसका साक्षात्कार कैसे होगा? जैसे हर माचिस की तीली के अंदर आग छिपी हुई है ऐसे हर इंसान के अंदर ईश्वर छिपा हुआ बैठा है, केवल घर्षण करने की देर है। यूं एक बार हृदय को तपा कर देखो, एक बार अंतःकरण को साफ शुद्ध करके देखो, ईश्वर देर में नहीं मिलता।